हाथरस गैंगरेप मामले में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर पुलिस तैनात है। हंगामा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे चुकी है। पूरी घटना पर परिवार गैंगरेप का आरोप लगा रहा है। पुलिस कुछ और कह रही है। असली सच है क्या, इसे जानने के लिए हाथरस में वारदात वाली जगह पर पहुंचे इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे। ये खास रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 9:30 का वक्त रहा होगा जब हाथरस की निर्भया इसी मेड़ पर अपनी माँ अपने भाई के साथ घास काट रही थी। 9:30 जैसे ही वो घास काट रही थी, कुछ देर बाद उसके भाई ने कहा कि घास की गठरी बड़ी हो गई है, लिहाजा मैं घास की गठरी को ले आके अपने घर पे रखता हूँ। यानी कि इस जगह से जो निर्भया है उसका घर लगभग 500 मीटर है, तो वो उसका भाई घास की गठरी लेकर घर गया रखने के लिए। इसी बीच निर्भया की माँ ने कहा कि तुम थोड़ी दूर पर जो घास काट के रखी गई है उस घास को इकट्ठा कर दो, ताकि जब भाई घर से लौटेगा तो उसको भी वो लेकर घर जाएगा। तो हाथरस की निर्भया अपनी माँ को छोड़कर बमुश्किल यहाँ पे 20-30 मीटर का फासला होगा, वो यहाँ पर आई और यहाँ पर जो घास इकट्ठी की थी उसको वो लगी समेटने, और समेटते जब वो इस जगह पे आई, ये जो मेड़ है यहीं पर वो घास को समेट रही थी, तभी उसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था और एक आरोपी ने उसी दुपट्टे को पकड़कर उसको इस बाजरे के खेत में खींच लिया। और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये उस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस दिन सुबह 9:30-10 के आसपास उस हाथरस की बेटी के साथ क्या क्या दरिंदगी की गई, और उसको यहाँ खींचकर उसके साथ यहाँ गैंगरेप किया गया, उसके गले की हड्डी को दबा के तोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि उसकी जी पे भी वार किया गया, ताकि उसके साथ जो दरिंदगी की जा रही है वो किसी को बता ना सके। यानी कि आरोपियों को डर था कि वो पकड़े जाएंगे अगर इस बेटी ने अपना मुँह खोल दिया, और बाद में उस बेटी को यहीं पर लेटा हुआ छोड़कर जो आरोपी है वो भाग गए। क्योंकि यहाँ से जहाँ पर उसकी माँ घास काट रही थी उसकी दूरी लगभग 25-30 मीटर होगी, ऐसे में इस बेटी की जो आवाज़ है माँ तक नहीं पहुँच पाई। काफ़ी देर बाद जब माँ को अंदाज़ा लगा कि बेटी बहुत देर बाद नहीं आई है, तब माँ जब यहाँ पर आई तब उसने देखा कि इसी जगह पर अचेत अवस्था में वो बेटी को यहाँ छोड़कर आरोपी भागे हुए हैं, और उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो दर्द के मारे कराह रही है। तीनों लोग घास काट रहे थे तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए, तो जहाँ से आपने दिखाया ये रास्ता बनी हुई है जो बाजरे के खेत में, उस जगह पे वो घास इकट्ठा करने आई थी क्योंकि भाई उनके डालने चले गए थे कटरी घास। तो माँ ने जब उनको टाइम ज़्यादा थोड़ा हो गया तो माँ ने सोचा कि हो सकता है और काटने लगी होगी इस बीच में। जब माँ की एक अलग ही बात होती है जो दिल की, तो जब उनसे रुका नहीं गया कि चलो देख के आते हैं जाके इतना टाइम कैसे हो गया, तो इधर उनको ध्यान नहीं आया जहाँ से अभी हम खेत में घुसे हैं, वो सीधी गई हैं रास्ते पे जो अपने मेन रास्ते पे आए सड़क पे। जी हाँ, उस रोड पे पहुँची हैं आवाज़ देती हुई, तो उधर भी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। तो कोई किसी से बच्चे से किसी से पूछा होगा कि हमारी बच्ची को देखा, तो मना कर दिया हमने नहीं देखा, तो उनको फिर नहीं रहा गया, तो वापस इसी रास्ते पे फिर रोड से यहाँ तक लौट के आई। तो इसी जगह पर उन्होंने एक पैर के चप्पल उनकी पड़ी हुई देखी थी, वहाँ जहाँ से हमने एंट्री की है इसमें खेत में। जी, उस जगह चप्पल उल्टी पड़ी थी, तो फिर उनको दिमाग में कुछ अलग फील हो गया कि तो सीधी जहाँ से रास्ता दिख रही है आपको अंदर की तरफ आई देखती हुई, तो उन्होंने यहाँ पर उनको ऐसी निर्वस्त्र अवस्था में देखा, तो खुद बोल रही है अब अपने मुँह से कि हमने अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर डाला और उनका जो कपड़े खुले रखे थे सारे, तो उनको कैसे भी करके हाथ में उठा के थोड़ा सा बाहर की साइड में निकाल के उन्होंने रखा उनको। यहाँ पर ये जो किस तरह से घसीट के लाया गया है, एक रास्ता की तरफ यहाँ बना हुआ है, रास्ते के जो बाजरे के जो पौधे हैं वो टूटे हुए हैं, और यहाँ पर अचेता अवस्था में उस निर्भया की जो है बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी, अचेत अवस्था में थी। और ये जो जगह है जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया, ये गांव से और उसके घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर होगी, और ये वो जगह इस मेड़ से जो दुपट्टा जो लगा रखा था हाथरस की निर्भया ने, उस दुपट्टे के जरिए पीछे से उसको खींचकर अंदर की तरफ ले जाया गया और इस घटना को अंजाम दिया गया। और पूरा गांव ये मांग कर रहा है कि जिन आरोपियों ने, हालांकि पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब गांव ये मांग कर रहा है कि उन आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, हाथरस। हाथरस से आनंद प्रकाश पांडे की आपने